जी, मैं सबा, इनकी बेटी, लैला की दोस्त। मैं बयान लिखवाने आई हूँ। व्हाट? ये क्या? गिरफ्तार किए बगैर कैसे बयान लिखेंगे बीबी? ले जाए। सबा, सबा क्यों आई हो तुम यहाँ पे? मना किया था ना मैंने, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। सबा, शाइस्ता। जी सर। बुला के लाएं इसको। बताएं क्या बयान देना चाहती हैं आप? मेरे बाबा बिल्कुल बेकसूर हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये बयान है? बाबा का इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो तो लैला के साथ कभी अकेले में मिले भी नहीं हैं। अपने बाप को बचाने के लिए तुम्हारी कोशिश बेकार है बीवी, क्योंकि वो इकबाल जुर्म कर चुका है। इकबाल जुर्म समझती हो? इकबाल जुर्म यही कि तुम्हारे बाप का और लैला का मुआशका चल रहा था, दोनों ने निकाह भी किया था जिसमें फर्जी नाम इस्तेमाल किए थे, बोगस निकाह। नहीं, झूठ है ये सब। मैं जानती हूँ बाबा को, मैं जानती हूँ बाबा को, उन्होंने सब ये सब दबाव में आके कहा होगा। अच्छा, हमारे दबाव में आके वो लैला को लेके होटल भी चला गया और वहां पे सबूत के तौर पे सीसीटीवी कैमरा में। एक मिनट रुकिया, बात हो रही है। वो वहां गए थे लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। सही कह रही हैं आप, हम ही गलत सोच रहे हैं। आपके अब्बा तो वहाँ ट्यूशन पढ़ाने गए थे बड़े नेक मकसद से। हम ही गलत सोचते हैं, हमारी सोच गंदी है। वो तो बहुत ही नेक और पारसा आदमी है, ऐसा ही है। सर वो निकाहनामा मैं, बात हो रही है ना? देखो बीबी, तुम हमारा और अपना वक्त जाया कर रही हो। तुम्हारा बाप सब कुछ कबूल चुका है, अब सिर्फ लड़की की बरामदगी बाकी है। और एक दफा लड़की बरामद हो गई तो वो बता देगी कि ये निकाह उसने अपनी मर्जी से किया या जबरन हुआ। सर मैं, आप बता दें। सर मैं इसी निकाहनामे के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। सर ना ही वो निकाहनामा फर्जी है और ना ही उस पर नाम फर्जी है सर। बस वो लैला और अजीम का नहीं है बल्कि सबा और कैस का है। कैस ना मालूम है सर, और सबा अजीमुल्ला मुल्ज़िम अजीमुल्ला की बेटी है सर, ये जो आपके सामने बैठी है। हाँ भाई, इतने प्लॉट ट्विस्ट तो फिल्मों में भी नहीं होते। सबा जी, कितनी सिगरेट पीनी है? सियार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब जब फैसला कर ही लिया तो डट ही रहे ना, घबराने की क्या जरूरत है? घबराने वाली बात तो है लैला, फैसला करना अलग है और उस पर अमल करना अलग। इतना हौसला कहाँ से लाऊंगी मैं? और अगर मेरे बाबा को पता चल गया तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। निकाह ही तो कर रही है तू, कोई गुनाह थोड़ी। और उस बेचारे कैस ने कोई कम कोशिश तो नहीं की ना तेरे घर वालों को मनाने की? कितनी बार उसने रिश्ता भेजा, अब तो यही रास्ता है तुम दोनों के पास। मैं अब भी डामाडोल, निकाह तो शायद मैं हिम्मत करके कर ही लूं, लेकिन उसके बाद घर वालों को कैसे बताऊंगी? सबा, हिम्मत तो तुझे करनी ही पड़ेगी। कैस की मोहब्बत सच्ची है, इसीलिए तेरी खातिर ये सब कुछ कर रहा है। और जब एक दफा निकाह हो गया, वो निकाहनामा लेकर आ गया अजीम सर के सामने, तो वो क्या ही कर लेंगे? सिर से स्वात नहीं पाना ना। अपनी इज्जत बचाने के लिए ना तुझे उसके साथ रुखसत करना ही पड़ेगा। अच्छा सुन, डर मत,
यही एक रास्ता है तुम दोनों के पास। इसी तरीके से ना तुम लोगों को अपनी मोहब्बत मिल सकती है। एक दफा हिम्मत कर लो, एक दफा। आगे ना रास्ता आसान ही आसान है, वरना पूरी जिंदगी पछताएगी। तुम मेरा साथ दोगी ना? तेरी दोस्त हूँ, तेरे हर कदम पे, तेरे हर फैसले पे मैं तेरे साथ हूँ। अकेली नहीं है तू। बाबा जो मेरे साथ करेंगे सो करेंगे। मुझे डर है कि गैरत के चक्कर में कैस को जान से ही ना मार डालें। चले, कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। तेरे बाबा तो इतने स्वीट से हैं, इतने क्यूट से हैं, कोई गुंडे बदमाश थोड़ी हैं। ऐवें ही कातिल बना दिया उन्हें किराए का। तेरे वहम है सब। चल ना, ख़त्म करना, इसे 10वें फ्लोर पे लेकर आई है इसके लिए। वो मेरी राजदार थी हमेशा से। अंधा एतमाद था मुझे उस पर। सगी बहनों से ज्यादा समझती थी मैं उसे। उसी ने मुझे ये हौसला दिया, वरना शायद मैं कभी इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं पाती। तो ये निकालनामा तुम्हारा और क्या नाम है उसका? कैस सर। कैस का? तो गवाह कौन है? वो लाया था, अपने दोस्त को लेकर आया था, और उसका एक कज़न भी था, और चाचा भी निकाह में शामिल थे, और मैं और लैला हम दोनों। अभी कहाँ मिलेगा कैस? सर, मेरा और कैस का निकाह एक बिल्कुल ही अलग मामला है। लैला की गुमशुदगी से कैसा कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज़ उसे छोड़ दें। पहले ही बाबा बहुत ज्यादती कर चुके हैं उसके साथ। काम तो उसने जूते खाने वाला ही किया था। क्या चाहती है? तेरा बाप उसको कंधे पे बिठा के नाश्ता? मोहब्बत करना क्या जुर्म होता है? मोहब्बत? चल बेटा, तेरी मोहब्बत मैं बताती हूँ। चल चल चल, उठ उठ उठ। कैया, मैं सच बोल तो रही हूँ। निकाह वाली बात खुलते ही बाबा ने कैस को बहुत मारा, धमकियां दी और जबरदस्ती उससे तलाकनामा पे साइन भी करवा लिए। और वो शहर छोड़ के चला गया है। उसने मुझसे कोई रابطہ नहीं किया, और ना ही मैं चाहती कि मुझसे कोई रابطہ करे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो कोई मुसीबत में आए। हाँ, लेकिन लैला से कभी कभी मेरी खैरियत मालूम कर लेता है। चलो, इस बयान से ये तो साबित होता है कि निकाहनामा तुम्हारे बाप का और लैला का नहीं है, मगर इससे तुम्हारे बाप की बेगुनाही तो साबित नहीं होती। लड़की, तुम केस को बहुत उलझा रही हो। उलझ आप रहे हैं सर। इस फुटेज में आपने बाबा और लैला को रूम में जाते हुए देखा होटल के, लेकिन अगर आप एक घंटे पहले की फुटेज निकालें तो आपको दिखेगा कि मैं और कैस वहां मौजूद थे। बाबा तो मुझे रंगे हाथों पकड़ने आए थे वहां। लैला और तेरा बाप? ओए, लैला तेरी दोस्त है तेरे बाप की? मेरी दोस्त है वो, और उसने मेरी मुखबड़ी करके मेरे बाबा को वहां ले आई। उसने मुझे धोखा दिया है, एतबार तोड़ा है उसने मेरा। लैला ने तेरा एतबार तोड़ा है ना? अगर ये सारी बातें झूठ हुई ना बेटा, तो मैं तो तेरी हड्डियां ही तोड़ूंगी, समझी? हड्डियां तोड़ूंगी तेरी। सॉरी सर। सच बोल रही हो? एक बात बताओ, आजकल तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? नहीं सर। आप तो कब छोड़ेंगे मुझे मेरे बाबा को? छोड़ देंगे बीबी, छोड़ देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। हाँ मैडम। बताया इसने कुछ? नहीं मैडम, कुछ नहीं बताया। जब से एक ही बात की जिद कर रही है, दिमाग खराब कर रही है कि घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। बीबी, आपके बाबा ने जो बयान दिया है आपने पढ़ लिया जी? क्या आप उसकी तस्दीक करती हैं? जी। तो उस बयान के मुताबिक जो भी कुछ हुआ वो आपके सामने हुआ, और आप इसकी गवाह हैं जी? बेटा, तुम जी हुजूरी अपने बाप की कर ली होती ना, तो आज थाने में रुल ना रही होती। चलो, तस्दीक के लिए दस्तखत करो। क्या दस्तखत करने के बाद आप तो मेरे बाबा को छोड़ देंगे? नहीं, लेकिन इसके बाद तुम्हें जमानत के लिए वकील करने का हक मिल जाएगा, और वकील तुम्हारी जमानत की अर्जी भी डाल देगा। दस्तखत करो बेटा। क्या हो गया बीबी? छुप के जब निकाह कर रही थी तब भी इतना ही वक्त लगाया था दस्तखत करने में? हूँ दस्तखत। अब तो आप लोग छोड़ देंगे ना बाबा को?
अब तो देर हो गई बेटा, अब तो सुबह ही होगा जो होगा, इसलिए सुबह जितनी जल्दी हो सके अपने वकील को बुलवा लो ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू हो सके, ताकि तेरे और तेरे बाप की जमानत की अर्जी अदालत में जमा हो सके। सुबह क्या मतलब आपका? इसका मतलब है कि बाबा एक रात लॉकअप में गुजारेंगे? तू भी? क्या 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 मतलब, क्या मतलब? मैं भी? हाँ मैं क्यों, मैं क्यों, मैंने क्या किया है? आवाज नीचे करके बात कर। ये थाना है बेटा, तेरे आशिक का मोहल्ला नहीं है जो शोर करे। औकात में रहकर बात कर जी। इतनी देर हो गई है, आखिर कब छोड़ रहे हैं आप लोग मुझे और मेरे बाबा को? तुम शामिल है तफ्तीश हो, तुम्हें कैसे जाने दे घर, बताओ। लेकिन मैंने किया क्या है? हाँ मुझसे सिर्फ एक गलती हुई है कि मैंने छुप कर कैसे निकाह कर लिया, और अगर देखा जाए ना तो कानून और मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं फिर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने घर वालों को दुख पहुँचाया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप लोग मुझे यहाँ पर कैद करें। तुमने जो अपने घर वालों को साथ किया है वो तुम्हारा मसला है, उससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं। हाँ लेकिन जो तुमने लैला के साथ किया है उससे हमारा लेना देना है। ये आप क्या कह रही है? मैंने 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 कुछ नहीं किया लैला के साथ, बल्कि गलत तो लैला ने मेरे साथ किया है। मेरा राज जाके पापा को बता दिया उसने, मैंने वो निकाह नामा उसके पास अमानत के तौर पर रखवाया था, और आज जिस मुसीबत में हूँ ना सिर्फ लैला की वजह से। इसीलिए तुमने उससे बदला लिया। हुँ? हुँ? तुम्हारे बाप के एक बयान के मुताबिक धमकी तो तुमने दी थी, और तुमने इस बात का इतराफ़ भी किया है इस बयान पे दस्तखत करके। तो बताओ आप मेरा यकीन करें, देखिए मैंने कुछ नहीं किया। ये ऐसा नहीं मानेगी भाई, करो बंद इसको, बताएगी सब कुछ। नहीं 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 नहीं, देखिए मेरी बात यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे इन सबसे दूर लगे, मैंने वाकई कुछ नहीं किया है, आप लोग को यकीन क्यों नहीं आ रहा? ठीक है चलो लेके आओ उसको, करो बंद। नहीं मेरी बात तो सुने, आप बोले मेरे को मेरे से कुछ नहीं किया है। भाजी बाजी बाजी क्या है? क्या मसला है? हाँ क्या मसला है तेरा? तेरे बाप की नौकर हूं मैं, बाप की नौकर हूं, तेरे हर दफा उठाने पर जवाब दूं तुझे? क्या मसला है तेरे साथ? मर क्यों नहीं जाती? सो जा, यहां आंख लगती नहीं है क्या? आवाज देती है क्या है? यहां नींद कैसे आ सकती है? जैसे मुझे आ रही है, तू कोई आसमान से उतर के आई नवाबजादी है तू है? मेरे जमीर पे बोझ नहीं ना तेरी तरह, इसलिए सुकून की नींद आती है। क्या हो गया आपको? आप मेरी बात का यकीन करें, जिस दिन से बाबा ने मुझे केस को पकड़ा है तब से मैं कैद हूँ, घर से एक कदम बाहर तो निकाल नहीं सकती, तो लैला को क्यों तंग करूंगी? मैं उसको कहाँ छुपा के रखूंगी? ओ बीबी, शामिल तफ्तीश मुलजिम के घर वालों की गवाही काफी नहीं होती है, नहीं मानता कोई उसे। तेरे पास कोई और सबूत है तो ला दे, बल्कि एक काम करना, सबूत जाके अदालत में जमा कराना। अभी इस वक्त मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश नहीं करना, चुप कर जा, चुप। कैसे सोंगी यहाँ, तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी है, और उस तरफ ना मैंने चूहा भी देखा है। तो क्या करूँ हैं, क्या करूँ? चूहे मारूँ तेरे साथ बैठ के कमरे में हैं? अकेली तू ही तकलीफ में, तेरी वजह से मेरा भी घर जाना बंद कर दिया है, और जिसको घर जाना है मुसीबत बना के रखी हुई है। एक तो पता नहीं वो लैला किस चूहे के बिल में घुस के बैठी है, मर गई है, मर खप गई है, कहीं हुआ क्या उसके साथ, जान का अजाब बन गई है, ऊपर से ये मुसीबत क्या है? नाश्ता? हमारा वकील आ गया है क्या? लैला की माँ आई है, इंस्पेक्टर से बात कर रही है। खाला आई है? सुबह होते ही आ गई, इंस्पेक्टर साहब से भी पहले। मैं तो इस बात के लिए हैरान हूँ कि उसने सुबह होने का इंतज़ार कैसे किया। जानती क्यों आई है? ये गवाही देने कि तू उसके घर आई नहीं इतने दिन से। देखा मैंने यही कहा था ना। लेकिन उससे ये तो साबित नहीं होता कि तू उससे मिली ही नहीं, उसने तो सिर्फ इतना कहा है कि तू उसके घर नहीं आई है।
क्लब वाली बात का इल्म तो उसे है भी नहीं, और ना ही वो ये जानती है कि उसकी बेटी ने तेरे बाप के साथ छुप छुपा के निकाह किया हुआ है। ये भी तो हो सकता है ना कि उसकी नाइलमी में तो उससे मिल ली हो। इसका मतलब है कि आप लोगों ने तय कर लिया है कि लैला का फंदा आपने मेरे और मेरे बाबा के गले डालना है। और ये नहीं जानती मैं कि तू मुजरिम है या नहीं, लेकिन मेरा तजुर्बा बता रहा है कि तू कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। देख लड़की, अगर तू उसके लिए भलाई नहीं कर सकती ना जो तुझे बचाने यहाँ आई है, तो कम से कम अपने आप को बचाने के लिए सच बोल ले। सुने, कुछ और खाने को नहीं मिल सकता क्या? ये भी ले जा। नहीं नहीं, छोड़ दे, मैं खा लूंगी। मैंने आपसे झूठ कहा था, हम होटल वाले वाकई के बाद मिले थे, बल्कि लैला की गुमशुदगी से 2 ही दिन पहले। तो उसकी माँ तुम्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? वो क्यों पर्दा डाल रही है इसके ऊपर? क्योंकि वो सच कह रही है, मैं वाकई लैला के घर नहीं गई और जा भी नहीं सकती थी। मैं और लैला हम पार्क में मिले थे। गोली लाओ सर। जी सर। अरे सर दर्द की गोली लाओ। सर क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? देखने के लिए कि मेरे बाबा ने मेरे मार मार के क्या हाल कर दिया है? सबब, तुम्हें ना मेरी बात सुननी होगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लूंगी, मैं ना तुम्हारे आगे पैर भी पढ़ लूंगी, लेकिन अपनी बात के बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। मगर क्यों और किस लिए? हाँ, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है अब? कितना एतबार करती थी ना मैं तुम पे, सगी बहनों से ज्यादा समझती थी मैं तुम्हें। क्या तुम मेरा राज राज नहीं रख सकती थी? सबब, मैंने कोशिश बहुत की थी मगर मैं मजबूर हो गई। मजबूर? अपनी खुदगर्जी को ना मजबूरी का नाम मत दो लैला। तुमने जो कुछ किया है अपने ही फायदे के लिए किया है। मेरा फायदा? मेरा तो उल्टा नुकसान हुआ है सबा। इस चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। तो तुम्हें क्या लगता था कि तुम फैक्ट्री के मालिक से चक्कर चलाओगी, उसकी बेटी से दोस्ती रखोगी, पहले निकाह में साथ देने का ढोंग रचाओगी और फिर मुखबरी करके शादी को खत्म कर दोगी और तुम्हारी नौकरी बची रहेगी? शादी खत्म हो गई? हाँ, शादी खत्म हो गई है। मार मार कर हर शय खराब कर दिया था बाबा ने केस का, से जबरदस्ती तलाक नामा पर साइन भी करवाया और फिर उसे मजबूर कर दिया कि वो शहर छोड़कर चला जाए। अब शायद हम एक दूसरे को कभी भी ना देख सके, कभी भी ना मिल सके, सिर्फ तुम्हारी खुदगर्जी की वजह से। लैला, यकीन जानो सबा, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे बाबा और मेरे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ओ फॉर गॉड सेक, बस कर दो झूठ बोलना। एक एक बात की गवाह हूं मैं। तुम मेरे बाबा पर डोरे डालती थी, अच्छी तरह पता है मुझे, और अब मुकर रही हो। देखो, तुम्हारे लिए बेहतर है कि अब कभी मेरे सामने मत आओ, वरना कसम खुदा की तुम्हारी शक्ल दोबारा देखूंगी ना तो बदला लेने पर मजबूर हो जाऊंगी मैं। समझ आ रही है तुम्हें? सबा, सबा मैं कसम से मजबूर थी। मैंने तुम्हें बताया तो था कि उस खबीस ने मेरी ज़िंदगी अजाब कर रखी थी यार। पता है मेरी माँ ने ना 2 सोने के कंगन बनाए थे मेरी शादी के लिए,
मैंने तो सोचा मैं उनको भी चुरा के ना उसको बेच के उस खबीस का मुंह बंद करा दूं, लेकिन पता नहीं हौसला नहीं हो सका। मैंने सोचा पता नहीं कितनी मेहनत करके मेरी माँ ने बचतें करके मेरे लिए वो कंगन बनाए थे, इसलिए तुमने मेरा राज भेज दिया। हाँ, ये करने का हौसला था तुम में? सबा देखो ठंडे दिमाग से सोचो, ये बात पूरी ज़िंदगी तो खुफिया नहीं रहनी थी ना, और तुमने और कैस ने यही तो इरादा किया था कि निकाह के बाद बता देंगे। हाँ, लेकिन हम इस बात के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, और तुम भी अच्छी तरह से जानती थी ये बात। वक्त से पहले बता कर तो तुमने मुझे और कैस को ज़िंदगी भर के लिए जुदा कर दिया है। सबा ये राज मैंने खोला या तुम बताते, होना तुम्हारे साथ यही था, तुम्हारे बाबा ने यही करना था। अब सारा इल्ज़ाम तो तुम मुझे नहीं दे सकती। वाह, बहुत अच्छे लैला, तुम मेरे साथ इतना कुछ करो और मैं तुम्हें इल्ज़ाम भी नहीं दे सकती। सबा मैं मजबूर थी, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं खुदकुशी ही कर सकती थी बस। उनसे मिले पैसों से मैंने अपनी ज़िंदगी बचाई, उस खबीस का मुंह बंद किया, तो मैं मजबूर हो सकती हूँ, खुदगर्ज़ हो सकती हूँ, लेकिन मैंने धोखा नहीं दिया। मुझे पता था कि वो सच कह रही है, वो वाकई मुश्किल वक्त में थी, उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो खुदकुशी कर लेती या फिर मुझे धोखा देके मेरे बाबा से पैसे लेके उस ब्लैकमेलर के मुंह पे मार लेती। और उसने वही किया, उसने सिर्फ अपना ही सोचा। मैंने उसे माफ़ तो कर दिया है, लेकिन उससे दोस्ती का ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, लेकिन माफ़ कर दिया उसे। तुम अगर 10 बार भी बोलोगी ना कि तुमने उसे माफ़ कर दिया, तभी तुम शक के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। सर मैं और क्या करूं, कहां से सबूत लाऊं मैं? लैला और मेरे बीच जो बातें हुई उसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं है ना मेरे पास? लेकिन उस ब्लैकमेलर का कोई तो रिकॉर्ड होगा, कौन था, कहां से आया था, क्या रिश्ता था उसका लैला से, उसके पास ऐसा क्या था जिसे वो ब्लैकमेल कर रहा था? मैं नहीं जानती। जब वो तुम्हें कई बार बता चुकी थी कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, ये कैसे हो सकता है कि तुमने ना पूछा हो कि वो कौन है? औरतें तो बाल की खाल निकालती हैं। मैं तो खुद उन दिनों अपने जाती मसले में फंसी हुई थी, मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मुझे यकीन करें। कुछ तो कहा होगा उसने, किसी का नाम लिया होगा, कोई एक्स बॉयफ्रेंड, मंगेतर, कोई तो होगा वो। नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड या मंगेतर नहीं था, कम से कम जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनमें से तो कोई नहीं था, वरना वो हवाला ज़रूर देती मुझे। कोई कोई अनजान शख्स था जिससे उसका ताल्लुक था, मेरे इल्म में नहीं था। आपके इल्म में नहीं है। शाइस्ता, उल्टा लटकाए इनको जैसे इनके बाप को लटकाया था। नहीं, फिर ये बोलेगी तोते की तरह। छोड़ दो मुझे सर, मैं सच बता रही हूँ, मुझे कहीं लेके जाओ। छोड़ दे, जाए। सच सच एक एक तफसील बताओ मुझे। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। हो सकता है वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा हो। कैसे ना डरूं सबा, उसके पास इतनी ढेरों वीडियोस, इतनी तस्वीरें हैं मेरी, और मुंह फाड़ के पैसे मांग रहा है वो। तो तुम भी एक काम करो, वो तुम्हें डरा रहा है ना, तुम उसे डराओ, धमकी दो उसे कि तुम उसकी रिपोर्ट करवा दोगी पुलिस में। उसे पता है मैं किस घर से हूँ, एक अरसे से जानता है मुझे, उसे ये भी पता है कि मेरे बाप की ना कोई इतनी पहुँच नहीं है, नहीं आएगा वो मेरी धमकी में। लैला तुम मेरी बात मानो, काशिफ से जिक्र कर लो इस बारे में, तुम्हारा कज़न है, तुम्हारी इज्जत समझो उसकी, ख़ानदान की इज्जत। उसे नहीं कुछ बता सकती मैं, उसका और मेरा ताल्लुक अब वैसा नहीं रहा है। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताती तुम्हें पहले, तुम खुद अपनी इतनी मुश्किलों में फंसी हुई हो, और मैं ना फिलहाल सिर्फ इस मुश्किल से छुटकारा चाहती हूँ, मैं उस खबीस के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकती। मगर उन पिक्चर्स और वीडियोस में ऐसा क्या है जो तुम इतना परेशान हो रही हो, और वो आखिर है कौन जिसके हाथ ये इतनी आसानी से सब कुछ रख गया? आगे फिर? फिर क्या? अरे फिर क्या जवाब दिया उसने तुम्हारी बात का, कौन था वो, ब्लैकमेल कौन कर रहा था, क्या था उसके पास, कौन सी वीडियोस, कौन सी पिक्चर्स? मुझे नहीं मालूम सर, उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। उसने नहीं बताया, तुम छुपा रही हो। मैं क्यों छुपाऊंगी सर, अगर मुझे नाम पता होता तो मैं बता देती, इसमें तो मेरे और मेरे बाबा की ही भलाई होती।
लैला ने मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दिया। हम जब मिले हमारी क्लास वाले बीच में आ गए, फिर हमारी बात अधूरी रह गई। अधूरी बात का पूरा मतलब निकाल सकता हूँ मैं, इसलिए जल्दी बताओ कौन था वो ब्लैकमेलर। ये ब्लैकमेलर कौन था मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन लैला की बातों से ये ज़रूर अंदाज़ा लगाया है मैंने कि वो उसे पहले से जानती थी, और उसकी वीडियोज़ और तस्वीरों का मुझे पहले से अंदाज़ा था। वो वीडियोज़ यकीनन उन तमाम लड़कों की थी जिनका लैला के साथ कभी ना कभी ताल्लुक रहा है। तमाम लड़के कितने थे? सर मैं आपको क्या बताऊँ, वो ऐसे मिजाज की थी कि हर किसी से फ्री हो जाती थी, कभी किसी को सीरियस ही नहीं लिया उसने। हर लड़के के साथ दो तीन महीने दोस्ती रखती थी, उसका दिल भर जाता था, फिर किसी और पे दिल आ जाता था उसका। ये बात मुझे उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैंने उसको बहुत दफ़ा समझाया भी, दिल तो वो ऐसे तोड़ती थी जैसे जैसे टिश्यू पेपर। मुझे तो उन लड़कों पर गुस्सा आता है कि लैला की बातों में आ कैसे जाते थे, बेवकूफ कहीं के। Shut up! सर, इसका वकील आया सर, जमानत के कागजात लेकर।